मोदी की उम्र को लेकर लगातार सवाल दाग रहे हैं। आज लखनऊ में यानी कि कल अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और यही सवाल वहां पर गूंजता हुआ दिखा। लेकिन पूर्वांचल वालों ने खड़गे, सोनिया गांधी, शरद पवार, रामगोपाल यादव, लालू यादव जैसे नेताओं का जिक्र कर कहानी को नए मोड में ला दिया। तो समझते हैं कौन कितना यंग है। मल्लिकार्जुन खड़गे 81 साल, शरद पवार 83 साल, सोनिया गांधी 77 साल, लालू यादव 75 साल, राम गोपाल यादव 77 साल। ये उन बूढ़े नेताओं की फौज है जिनके दिमाग की उपज है इंडिया ब्लॉक। लेकिन क्रोनोलॉजी समझिए, बुजुर्ग नेताओं की नींव पर खड़ा इंडिया ब्लॉक पीएम मोदी की उम्र पर सवाल उठा रहा है, जिनका एनर्जी लेवल आज भी किसी 40 साल के नेता से कहीं ज्यादा है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। पहले जेल से बाहर निकलते ही अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की उम्र पर सवाल उठाए और अब लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने वापस वही बात दोहराई। अरविंद ने पीएम की उम्र को लेकर कहा कि पीएम मोदी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे, उसके बाद अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ को भी बीजेपी साइडलाइन कर देगी। यानी उम्र और पार्टी में फूट डालने की बात एक ही लाइन में दोहराई जा रही है। अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले एक दो साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है चार चरणों के बाद। वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये पहली दफा नहीं है जब अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी की उम्र पर सवाल उठा रहे हैं, और ना ही केजरीवाल के टेंशन की वजह पीएम मोदी की उम्र है, बल्कि विपक्ष जानता है जब तक मोदी सक्रिय हैं, मोदी मैजिक के आगे किसी की दाल नहीं गलने वाली। जब तक देश की जनता चाहेगी तब तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने रहेंगे। आपत्ति उनको है जो जनता की अदालत से खारिज किए जा चुके हैं। श्रीमती सोनिया गांधी, खड़गे जी, शरद पवार, इनकी उम्र भी अगर पूछी जाए तो निश्चित रूप से जनता की अदालत से खारिज लोग अब नया वितंडा लेकर सामने आए हैं। रही सही कसर अमित शाह पूरी कर चुके हैं
उन्होंने साफ कर दिया था कि मोदी की उम्र और पीएम पद के बीच कोई सवाल ही नहीं बनता। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना, पहले एक बात समझ लो, उनकी बेस ये है कि मोदी जी को बदले जाएंगे। मोदी जी को बदलना ही नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया, अब बैठ जाओ। अरे भाई, पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बदलेंगे? वो तय हो चुका है, नहीं बदलना है, बैठ जाइए। दरअसल विपक्ष की टेंशन मोदी की उम्र नहीं, उनका एनर्जी लेवल है। जब विपक्ष के नेता एसी कमरों में चिलचिलाती गर्मी में बाहर नहीं निकल पा रहे, तब पीएम मोदी एक ही दिन में 4-4 रैलियां संबोधित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च से 5 मई के बीच 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 83 चुनावी रैलियों को संबोधित किया, जबकि इंडिया ब्लॉक के 53 साल के युवा नेता राहुल गांधी सिर्फ 40 रैली ही कर पाए। एनर्जी का यही फर्क विपक्ष को खटक रहा है। वैसे भी पीएम मोदी खुद कहते हैं कि उनकी ऊर्जा का स्रोत परमात्मा है, जिसने उन्हें इस नेक काम के लिए भेजा। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि ये सब कैसे होता है। जैसा अचरज आपको होता है, मुझे भी होता है कि मोदी ये कैसे करता है। फिर मैं सोचता हूं, नहीं नहीं नहीं, शायद परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए भेजा हुआ है। मुझसे जो कुछ भी है वो कोई ईश्वरीय शक्ति करवा रही है, और वो ईश्वरीय शक्ति ही ईश्वरीय प्रेरणा से मैं करता रहता हूँ। ये कोई परमात्मा की देन है, परमात्मा ने मुझसे कुछ काम लेना तय किया है, किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है। बहरहाल, पांचवें चरण से पहले पीएम मोदी की उम्र का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके गठबंधन की नींव ही बुजुर्ग नेताओं के विचार पर खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।